then i'll save my points for the later sir so i'll i'll like to so uh, nice of you thank you i, ramon. I support the bill sir thank you thank you ramon naidu ji now i call navneet rana ji adhyaksh mahoday bahut bahut dhanyawad the national anti doping bill 2021 सभी ने अभी कहा कई players ने भी अपनी बातें रखी politics के ऊपर बातें कही कि ground में with players बहुत होता है जब हम ladies से लड़कियों से बात करते हैं तो वो अपना दुख स्पष्ट तरीके से आके एक महिला होने के नाते वो हमारे सामने जरूर रखते हैं तो वी शुड नॉट गो ऑन दैट बहुत प्लेयर्स ने सीनियर मेंबर्स uh, ने भी उस पर बात की पर uh, मैं इतना कहूँगी कि ये जो बिल लाया गया है पहले बहुत दिनों से बहुत सालों से चलते आए पहले जो एथलीट्स खेलते थे वो ओरिजिनल प्लेयर थे विदाउट एनी सप्लीमेंट विदाउट एनी ड्रग्स टेकन टू दी बॉडी वो अच्छे तरीके से लड़ते थे और देश का नाम के लिए वो मेडल लेके आते थे सर आज इस बिल के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं या ट्राइबल क्षेत्र के भी जो लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं लड़कियां हैं जो ग्राउंड पे खेलना चाहते हैं और वो टैलेंटेड हैं पर जब कंपटीशन देखते हैं कि टाउन्स में आने वाले बच्चों के साथ में गांव के बच्चों को कंपीट करना और ये स्ट्रांगली जब सप्लीमेंट और ड्रग्स लेके अपने आप को डबल स्ट्रांग करके मैदान में जाते हैं और टेस्ट पास करते हैं तब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम इसमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचेगा तो वो ग्रा, ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी रहेंगे उनको ये और ट्राइबल क्षेत्र के लड़कों को बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा तो मंत्री महोदय का इसका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि शहरों के साथ साथ हमारे ग्रामीण के बच्चों को इसका इस बिल से बहुत बड़ा योगदान रहेगा तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ग्रामीण के बच्चों को हमेशा दिल में रहता है कि हम भी वैसी आजकल तो बिल्डर लोगों को देखा है जिम में जाने के बाद जब वो स्टेज पे वॉक करते हैं एज ए रैंप रा, रैम्प वॉक करते हैं तो वो देखते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं तो हम तो परेशान हो जाते हैं कि पंद्रह पंद्रह साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं पर इमीजिएट ऑफ ड्रग्स एंड दिस इफेक्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दे टेक तो इमीजिएट इन थ्री फोर मंथ्स दे कैन चेंज देयर टोटली बॉडी एंड वी कैन नॉट इवन इमेजिन इन ड्रीम तो इससे बहुत बढ़िया चांस होगा जो ओरिजिनल टैलेंट होगा उसको ग्राउंड पे खेलना और देश के लिए चीटिंग करके नहीं ईमानदारी से मेडल लाने का जो सबसे बड़ा सोर्स रहेगा इससे वो खिलाड़ी ला सकते हैं और खेल सकते हैं और सर हमारे यहाँ पे एक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसको 100 वर्ष पूरे कर दिए ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे ताऊ जी हमेशा कहते हैं आगे बढ़ो सबसे आगे बढ़ो करते रहो जो होगा देखा जाएगा ये हमारे मंत्री महोदय के लिए है सभी ने कहा अनुराग जी बहुत लकी हैं और पिछले मंत्री महोदय ने इम्प्लीमेशन किए और ये पोस्ट पे आए और बहुत सारे मेडल्स लाए मुझे लगता है सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है या फिर वो अभी ये मंत्रिमंडल में आए या पहले के मंत्री ने जो काम किया है मैं इतना ही विनती करूंगी और एक क्वेश्चन भी है मेरा सर से कि सर आई डोंट नो वेदर आई एम रॉन्ग कि जितने भी प्लेयर्स ग्राउंड में आएंगे Thank जो भी गेम्स खेलने आएंगे वो सभी प्लेयर्स का जैसे राम जी ने कहा कि भाई बाहर से इंटरनेशनली अगर कोई खिलाड़ी आता है वो भी हमारे नॉर्म्स को Thank या बिल को फॉलो करेंगे या उनके कंट्री के अकॉर्डिंगली ये बिल को फॉलो किया वो, जाएगा वो, बस इतना क्लियरेंस अगर हमारे मंत्री महोदय ने दिया सर आपने कहा मारे. है कि स्कूल में तीन मिनट सिखाया जाता है पर पार्लियामेंट है तो छह मिनट तो बनता है सर हम बड़े हो गए स्कूल से तो आई टोटली फुली हार्टेडली सपोर्ट दिस बिल सर थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच नाउ कॉल